गोरखपुर जिला फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में जिला फुटबॉल लीग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद की 16 टीमों ने भाग लिया। फुटबॉल लीग 5 सितंबर से 21 सितंबर तक चले मैच में सेमीफाइनल में जीतने वाली दो टीमें फाइनल में पहुंची। रविवार को सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में जिला फुटबॉल लीग प्रतियोगिता मैच का फाइनल खेला गया। मैच से पहले औपचारिक रूप से गोरखपुर जिला फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं विधान परिषद के पूर्व सभापति गणेश शंकर पांडे ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और उनको शुभकामनाएं दी। इस मौके पर गोरखपुर जिला फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष गणेश शंकर पांडे ने फुटबॉल को किक करके खेलकर फाइनल मैच का शुरुआत किया। फाइनल मैच के रोमांचक मुकाबले में एफसी गोरखपुर और एनईआर गोरखपुर दोनों टीमों के खिलाड़ी शुरू से ही आक्रामक खेल खेलते रहे और पहले हाफ में दोनों टीमें गोल पोस्ट को भेदने में नाकाम रहीं, लेकिन सेकेंड हाफ में दो गोल कर एनईआर गोरखपुर ने बढ़त बना ली और दूसरी ओर एफसी गोरखपुर खिलाड़ी लगातार गोल करने के प्रयास करते नजर आए, लेकिन एनईआर गोरखपुर गोलकीपर के डिफेंस को भेद पाने में असफल रहे और फाइनल मैच एनईआर गोरखपुर 2-0 से जीतकर विजयी ट्रॉफी अपने नाम की, तो वहीं एफसीआई गोरखपुर दूसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा। मुख्य अतिथि सीएमओ डॉक्टर एस के तिवारी ने विजयी टीम को ट्रॉफी प्रदान किया। फाइनल मैच देखने के लिए सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में गोरखपुर जिला फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष गणेश शंकर पांडे, उपाध्यक्ष डेविड श्री एवं उपाध्यक्ष उपेंद्र मणि त्रिपाठी और फुटबॉल संघ के सचिव हमजा खान सहित मुख्य अतिथि के रूप में गोरखपुर के सीएमओ डॉक्टर एस के तिवारी मौजूद रहे। साथ ही फुटबॉल खिलाड़ियों के अलावा बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य अतिथि सीएमओ डॉक्टर एस के तिवारी और गोरखपुर जिला फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं विधान परिषद के पूर्व सभापति गणेश शंकर पांडे ने कहा, फोटोग्राफी के लिए दोनों टीमें एक साथ Thank you.
जिला फुटबॉल संघ द्वारा यहाँ पे टूर्नामेंट आयोजित किया गया है। बहुत सारे खेल हुए और बहुत सारी टीमों ने इसमें खेला। आज उसका फाइनल था, मुझे भी इसमें आमंत्रित किया गया था। मैं आके बहुत प्रसन्न हुआ और जो टीम जीती उसे भी बधाई, जो नहीं जीती उसे भी बधाई, और सबसे ज़्यादा बधाई आयोजकों को कि वो एक ऐसा बहुत ही हेल्दी एटमॉस्फेयर में एक हेल्दी टूर्नामेंट करते हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। मेरी शुभकामनाएं। ये टीम, ये खेल 5 सितंबर को शुरू हुआ था। इसमें कुल 16 टीमों ने भाग लिया। 8 टीमें अंकों के आधार पर क्वार्टर फाइनल में खेल रही हैं। लोगों के सहयोग से प्रत्येक वर्ष की भांति इस साल भी फुटबॉल लीग का आयोजन किया गया और निश्चित तौर पर मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा खेल प्रेमी दर्शकों को, हमारे जो खिलाड़ी साथी उनके प्रति, जिनके सहयोग से ये प्रतियोगिता सफल हुई। मैं आप सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा, मीडिया के लोगों के प्रति, जिन्होंने समय समय पर इसका कवरेज दे करके हमारे लोगों का, हम लोगों का उत्साहवर्धन किया। मैं फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।